बिहार में ग्रेजुएशन की परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षार्थी को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि वो बारात में आए हुए हैं या फिर कहीं पिकनिक मना रहे हैं। ना ही कोई कक्षा प्रदान की गई है उन्हें, ना ही कोई पाबंदी उनके ऊपर लगाई गई है। जिसको जैसे मन जहां मन वहां बैठकर परीक्षा दे रहा है। एक एक करके आपको तस्वीर दिखाएंगे इस पूरी खबर में और बताएंगे कि देखिए कि कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर हाल हुआ है, किस तरीके से परीक्षा का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है। जहाँ लोग परीक्षा के नाम से ही कांप जाते हैं, वहाँ बिहार में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी को ना ही कोई कक्षा दी गई है जहाँ परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दिया जा सके, और ना ही उनके अगल बगल कोई कॉलेज प्रशासन, कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर मौजूद है ताकि ये देख सके कि वहाँ कोई चोरी तो नहीं कर रहा। कोई जमीन पर बैठकर यहाँ परीक्षा दे रहा है, कोई सीढ़ी पर, तो कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो खड़े होकर परीक्षा देते हुए नजर आए हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कैसे परीक्षा दी होगी। पूरी खबर आपको बताएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ सके कि क्या कुछ यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का हाल हो रखा है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ताना सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम अप्लायंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए ताना सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में, तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जहां कभी रात के अंधेरे में टॉर्च के माध्यम से स्कूल और कॉलेज में परीक्षा चल रही होती है, क्योंकि वहां कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की जाती, तो कहीं ओपन बुक एग्जाम होता है, लोग गेस्ट पेपर से छपाई करते हुए देखे जाते हैं, तो कहीं पेपर ही एग्जाम से पहले लीक हो जाता है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, इन तस्वीरों का इस वक्त आना जब राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासा ध्यान देने का दावा किया जाता है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कैसे परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल ही नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था भी सुधर रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। इसी बीच ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें कहीं छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो कहीं सीढ़ी पर बैठकर परीक्षा दिया जा रहा है, तो कहीं कोई छात्र ऐसा है जिसने शर्ट तक खोल दी है और गर्मी में धूप में बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हो गया है। अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो ये सवाल उठना जरूरी है कि आखिर कॉलेज प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जब ये बच्चे धूप में तो कोई छांव की आड़ में बैठकर परीक्षा दे रहा था, क्योंकि यहां पर परीक्षा हॉल बनाया ही नहीं गया था। परीक्षा हॉल की कोई व्यवस्था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पार्ट टू के परीक्षार्थियों के लिए क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। तो इसका जवाब भी अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने दे दिया है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब देखिए, ये बिहार है, यहाँ पर पढ़ाई से ज्यादा जरूरी बिल्डिंग पिटवाना है, शायद इसीलिए परीक्षार्थियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। जैसे परीक्षा देनी है वो दे सकते हैं, क्योंकि पहले तो कॉलेज को सुंदर बनाया जाएगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन बच्चे ले पाएंगे। पहली तस्वीर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पार्ट टू की परीक्षा के दौरान रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की है, जहाँ परीक्षार्थी बरामदे जमीन और सीढ़ी पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पार्ट टू सब्सिडी पेपर और पीजी सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है, जहां रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में परीक्षा के दौरान की ये सब कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे कहीं ऐसे ही सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे हुए हैं, या कहीं कहीं तो ये लाल कुर्सी पर जो बच्चे बैठे आपको नजर आ रहे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो किसी शादी ब्याह में गए नहीं हैं, ना ही खाना खाने के लिए बैठे हैं, बल्कि यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इस चिलचिलाती धूप में ये बच्चे ऐसे बैठकर परीक्षा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से इन्हें परीक्षा हॉल नहीं दिया गया।
कोई परीक्षार्थी खड़े खड़े परीक्षा दे रहा था, उत्तर लिख रहा था, तो कोई टेबल कुर्सी पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर था, कोई गर्मी के कारण शॉर्टलिस्ट हो चुका था। अब जब तस्वीरें सामने आई तो कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था और जब तारीख परीक्षा की तय कर ली गई थी तो तारीख को आखिर कैसे टाल दिया जाता, लेकिन ये समझ नहीं आता कि क्या और कोई परीक्षा हॉल या फिर परीक्षा केंद्र यहाँ पर पटना में मौजूद नहीं है कि यहीं पर जहाँ कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहीं पर इन बच्चों को परीक्षा दिलवाई गई है, और धूप में बैठकर ये बच्चे खुलेआम गेस्ट पेपर से चीटिंग कर परीक्षा दे रहे थे। अब आप सोचिए कि क्या कंस्ट्रक्शन का काम जरूरी है या फिर परीक्षा जरूरी है। हालांकि ऐसी तस्वीरें तो हर साल सामने आती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था ताकि आप समझ सके कि अभी भी बिहार में जो दावा किया जाता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए आप कैसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुधरी है और कैसे यहाँ पर परीक्षा चल रही है। बाकी इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस पर अब कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।